तो ऑल राइट गाइज, आज जो मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ वो है, ये देखिए एक मटेरियल है जिसका नाम आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला। तो यार ये जो मटेरियल है इससे एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट जो है मैंने किया है, तो वो आज करेंगे। और यार उससे करने से पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो जिससे मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे देखते हैं इस पर एक अच्छा सा जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट तो मैंने कर लिया है, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो चलते हैं जल्दी से। अब मैं सिंपली अपने सेटअप पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले आपको टेस्ट करा देता हूँ जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो मैं पहले अपने फ़ोन को टेस्ट करा देता हूँ कि मैं कोई वीडियो ऐसी फेक नहीं बना रहा हूँ, ये मेरी रियल। देखिए मैं आपको अपनी टच सेंसिटिविटी टच कर करके बार बार दिखा रहा हूँ अपनी उंगली से कि हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मेरा जो फ़ोन है बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस दिखा रहा है। अब देखिए मेरे जो हाथ में ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है ये भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने बनाया है प्रोजेक्ट ये अच्छे से इस पर वर्क कर रहा है, जो हमारे हाथ का फिंगर जो काम करती है सेम। जैसे कहीं हमें प्रोजेक्ट बनाने होते हैं जैसे कि कोई फोटोशॉप का काम करना होता है तो वहाँ हमारे जो हाथ का एरिया है वो काफ़ी वाइड होता है जिसकी अपेक्षा ये काफ़ी बढ़िया होता है। अब देखिए मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ कि अगर हम कोई और मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक हुआ या कुछ भी एक्स वाई जेड हम यूज करते हैं तो उस पर जो हमारा फ़ोन रन नहीं करता है, उस पर हमारा फ़ोन कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, मगर जो हमारी उंगली होती है उससे करता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किसी एक, ये देखिए किसी भी प्रकार से कुछ भी ले लीजिए, जैसे कोई भी मेटल लोहा कुछ भी ले लीजिए नहीं करता, लेकिन जो ये मटेरियल है ना ये जो इस पर ये जो टच सेंसिटिविटी इसकी काम करती है मोबाइल की, देखिए आप खुद ही देख सकते हो ये बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से काम करता है। और अब मैं इसका देखिए आपको नाम बता देता हूँ, तो ये जो क्ले के नाम से जाना जाता है, इसको क्ले के नाम से जाना जाता है ये मटेरियल। और जैसे कि आपकी किसी भी दुकान पे ये जैसे बच्चों की चीज़ें खेलने की तो वही है ये, और इसको अच्छे से जैसे हम प्लास्टिक के तरह तोड़ भी सकते हैं और इसको जैसे रबड़ होता है उसकी तरह मेल्ट भी कर सकते हैं, तो पता नहीं कैसा मटेरियल है ये। और मैंने सिंपली इसकी बत्ती बना के जो अपनी एक पेन की स्केज होती है स्केज और उसमें इसको फिट कर लिया था, तो बस इसी तरीके से मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था। तो काफ़ी सिंपल और सबसे आसान प्रोजेक्ट मुझे अपना यही लगा और सबसे बढ़िया, क्योंकि जो फोटोशॉप होती हैं उसमें माइनर माइनर जो हमको काम करने होते हैं तो उसके लिए काफ़ी महंगा कोई कुछ नहीं लाना, वो जो हमें एसेसरीज की ज़रूरत होगी हम केवल इसी को बनाकर उसका काम हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छी टच सेंसिटिविटी इसकी काम करती है, बिल्कुल सही काम करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हाँ इसकी जो स्लो चल रही है बिल्कुल सेम जैसा हमारी उंगली काम करती है, और उससे बढ़िया काम ये जो मुझको लगा कि हाँ उससे बढ़िया काम करती है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो इसको। और यार अगर वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे मेरी वीडियो की ऐसी ऐसी वीडियो जितनी भी मैं बनाता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस आपने मेरी वीडियो अब तक यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों।